नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कुछ पिछले कुछ दिनों से MBA के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वो भी IIM के MBA के बारे में, तो पिछले कुछ वीडियो में हमने अलग अलग IIM के इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है और आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे उस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIM अमृतसर। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है ये जो अमृतसर शहर है ये पंजाब में है और ये जो IIM का इंस्टीट्यूशन है वो पंजाब के अमृतसर में प्रस्तापित और स्थापित हुआ इंस्टीट्यूशन है। तो जब भी हम MBA के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे IIM अमृतसर में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होंगे जिसके लिए मैं एडमिशन ले सकता हूँ, वहाँ पे फ़ीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अगर वहाँ पे मुझे जाना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, अगर वहाँ से मैं MBA और कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करता हूँ तो मुझे कितना हाईएस्ट सैलरी मिल सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अगर मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है, और परसेंटाइल की बात करेंगे तो ओवरऑल परसेंटाइल PT क्या हो सकता है, और हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन और ऐसे और भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं और वो सभी क्वेश्चंस और सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरी सभी मेरे दोस्तों को एक दरख्वास्त है, अगर आपने ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और एक बड़ी बात जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जाते जाते मैं आपको और एक सलाह देना चाहूँगा, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं पूरे के पूरे उसके जवाब आपको मिल पाएंगे इस वीडियो के दौरान। तो ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का ये वीडियो, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IIM अमृतसर के बारे में। जो ये IIM अमृतसर है ये पंजाब में है और हम देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन अगर हम एडमिशन लेना चाहते तो क्या है स्थिति। ये जो IIM अमृतसर है 2015 में स्थापित इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट का, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 2015 में की गई है। अब तक इसका NIRF रैंकिंग नहीं हुआ है। जहाँ तक इसके एरिया का सवाल है, ये पूरा पूरा जो कैंपस है 60 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है। यहाँ पे दो प्रकार के कोर्सेस स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं दो प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और बच्चों के लिए ऑफ़र किए जाते हैं। जहाँ तक फीस का सवाल है, फीस रेंज का सवाल है, यहाँ जो फीस चार्ज होती है वो 5 लाख से लेकर 15 लाख तक ये फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है। और हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो, वो ट्रेडिशनल का हो और प्रोफेशनल का हो, हमारे पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ही होना है। और जहाँ तक हम ओपन कैटेगरी से अगर हम बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन से हम बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। जहाँ तक जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सवाल है, कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, और जो एग्ज़ाम एक्सेप्ट होगा वो है कैट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट ही वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, दूसरा कोई एग्जामिनेशन वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। जहाँ तक पिछले साल के हाईएस्ट सैलरी पैकेज का सवाल है, अगर आंकड़ों के हिसाब से 2020 यानी 2020 के हिसाब से अब तक 54 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर किया गया है। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस में ही अवेलेबल है और वो बच्चों को ऑफ़र की जाती है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो सिलेक्शन प्रोसेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज़ कैट और GD और PI के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है,
जैसे कि हम बोलते हैं कैट के मार्क्स, जीडी के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यूज के मार्क्स यहाँ पे कंसिडर करके सिलेक्शन किया जाएगा। एंड द लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट परसेंटाइल की हम अगर बात करेंगे तो परसेंटाइल है 95%। ये जनरल कैटेगरी के लिए दिया हुआ परसेंटाइल है, इसमें चेंज हो सकता है, इस साल होगा भी, कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, कैटेगरी के हिसाब से ये बदलता रहेगा। और अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप भी जो नीडी लोग हैं, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है। तो ये था आज का ये वीडियो जो जो हमने देखा IIM अमृतसर के बारे में। आप मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस आगे भी जाके मिलते रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही में जो वीडियो आप लाइक कर रहे हैं उसको शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव इसका फायदा ले सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है उसमें कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस वीडियो को और भी बेहतरीन बना सकें। तो आज की वीडियो में हमने देखा IIM अमृतसर के बारे में, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।